सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में एक चरण में चुनाव हो जाएगा जिसकी अधिसूचना 27 सितंबर को जारी कर दी जाएगी और नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। द नोटिफिकेशन फॉर बोथ द स्टेट शैल बी इश्यूड ऑन 27 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस इज 4th अक्टूबर। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस इज 5th अक्टूबर। लास्ट डेट of withdrawal of candidature is 7th October. Date of poll for both the states is 21st October. 21st? Yes, 21st. Counting is 24th. हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में ईवीएम और वीवीपैट के जरिए वोटिंग होगी। ईवीएम पर लगातार उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सेफ है और इस बार सुरक्षा के मद्देनजर ईवीएम और वीवीपैट को डबल लॉकर में रखा जाएगा और कोई भी उम्मीदवार या फिर उसका साथी एक निश्चित दूरी से ही स्ट्रांग रूम पर नजर रख पाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इस बार पार्टियों और उनके उम्मीदवारों से चुनाव के प्रचार में कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की अपील भी की है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों की 64 सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है।